राजस्थान में अशोक गहलोत भले ही अब तक कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट पर भारी पड़े हों, लेकिन कानूनी लड़ाई में पायलट को जीत मिली है। हाईकोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के द्वारा दिए गए नोटिस पर अभी फिलहाल स्टे लगा दिया है, जिसके बाद पायलट गुट के विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी अयोग्य करार नहीं दे पाएंगे। ऐसे में अब नंबर गेम की लड़ाई होगी। ऐसे में पायलट और गहलोत में जो विधायकों का समर्थन जुटाने में कामयाब रहता है, सियासी बाजी उसी के नाम होगी। कानूनी पेच में फंसी बागी कांग्रेस विधायकों की लड़ाई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति रूप से अभी भी मजबूती से डटे हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट गुट के पक्ष में बीजेपी और केंद्र सरकार जुटी हुई है। इसके चलते कांग्रेस की चुनौती और बढ़ गई है। ऐसे में कांग्रेस के रणनीतिकार सीएम गहलोत की चुनौती अब विधानसभा में संख्या बल की ताकत से पायलट और बीजेपी दोनों को मात देने की रणनीति से आगे बढ़ाने की है, लेकिन ये लड़ाई अब इतनी भी आसान नहीं है। आइए अब हम आपको बताते हैं विधानसभा की अभी स्थिति क्या है। अशोक गहलोत गुट में कुल नंबर 100 हैं, जिनमें से कांग्रेस के 87 विधायक हैं, निर्दलीय 10, बीटीपी 2 और सीपीएम के 1 विधायक हैं। वहीं अगर बात कर लें सचिन पायलट गुट की, तो मौजूदा नंबर हैं 19, जिसमें से निर्दलीय हैं 3, बीजेपी प्लस कुल 75, भाजपा 72, जिसमें भाजपा 72 है, आरएलपी 3 पे है और सीपीएम के 1 है। गौरतलब है कि मौजूदा नंबरों से हिसाब से अशोक गहलोत रेस में आगे चल रहे हैं, हालांकि उनके पास भी बहुमत के करीब या फिर बहुमत जीतते ही विधायकों का समर्थन प्राप्त है। इसके अलावा गहलोत ने पहले से ही अपने मौजूदा विधायकों की एकजुटता कायम रखने के साथ पायलट खेमे से लौट सकने की संभावना वाले कुछ विधायकों को वापस लाने की रणनीति पर भी काम शुरू कर दिया है। हालांकि अगले 2-4 विधायक और भी इधर इधर हो जाते हैं तो फिर आने वाले वक्त में सरकार चलाने में दिक्कत आ सकती है। यही कारण है कि कांग्रेस लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थकों को मनाने में लगी हुई है। वहीं सचिन पायलट का गुट 22 विधायक है, जिसमें 19 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। ऐसे में अगर फ्लोर टेस्ट की नौबत आती है तो क्या वह बीजेपी के साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार गिराने में सफल हो पाएंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि आखिरी बाजी अब नंबर गेम की होगी। जो आगे निकलेगा वही सियासी जंग फतह करने में कामयाब हो जाएगा। हमें भी इंतज़ार है कि क्या पायलट या गहलोत अपनी बाजी जीत पाते हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।